नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम रीजनल प्लानिंग के थिंकर्स हैं, उनको देख रहे हैं रिलेटेड। अपने दो लेक्चर्स आ चुके हैं इससे पहले भी, और आज की क्लास में भी हम थिंकर्स पढ़ेंगे और जो वृद्धि ध्रुव या वृद्धि केंद्र का सिद्धांत है उसको देखेंगे। वृद्धि ध्रुव और वृद्धि केंद्र दोनों ही अलग अलग हैं। तो आज का अपना रीजनल प्लानिंग इन ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 3 है, और इसमें भी अपन थिंकर्स को ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी अपन ने जो थिंकर्स पढ़े हैं उनको आपने रिवाइज किया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपन ने गुनार मेडाल को देखा था, गुनार मेडाल का सिद्धांत देखा था अपन ने, क्यूमुलेटिव कोजेशन थ्योरी देखा था हमने, और जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो भी देखा था, पोलराइजेशन एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट है हर्शमैन का देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट दो थ्योरी हैं अपने, इनको ही बेसिस बना के अपन जो भी आगे इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, अपन फ्रेंकोय पेरोक्स की थ्योरी पढ़ेंगे, पेरुए या बोडवे की जो थ्योरी पढ़ेंगे अपन, पेरोक्स या पेरुए पेरोक्स का सिद्धांत आएगा, फिर बोडविले या बोधुए का सिद्धांत आएगा। इनका जो फ्रांसीसी है ये, तो इनके नाम के जो उच्चारण है वो सभी बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं। बोधुए का सिद्धांत आएगा। तो ये सिद्धांत है बेसिकली, जैसे इन्होंने दो प्रोसेस बताए थे, एक स्प्रेड बताया था और एक बैकवॉश बताया था। इन्होंने भी दो इफेक्ट बताए, स्प्रेड एंड बैकवॉश, और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया हर्शमैन ने, पोलराइजेशन एंड ट्रिकल डाउन बोला इन्होंने। पोलराइजेशन नाम अलग अलग बोल दिए थे, इनको अपन डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे, पोलराइजेशन एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोला। तो इनका मेन वर्क है और इन्हीं के सिद्धांत से इन्होंने एक एक कंसेप्ट ले लिया, किसी ने तो स्प्रेड को महत्व दिया, किसी ने बैकवॉश को इफेक्ट दिया। तो इस प्रकार से इनका आगे वर्क है वो अपन देखेंगे। तो पहले जो भी लेक्चर्स आए हैं उनको आप कवर कीजिए और फिर अपन इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन बोडविए को, पेरोक्स को, इनको डिस्कस करेंगे। गुनार मेडाल का संचयी जो वर्तुलाकार सिद्धांत है, क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी है, इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको एक बार फिर से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि जैसे कोई एक इंडस्ट्री, अपन ने एक एरिया है जो कि रिसोर्स है उसके पास, एक रिच एरिया है। रिच एरिया का क्या मतलब होता है? रिच एरिया का मतलब होता है कि वो संसाधन संपन्न क्षेत्र है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? लेबर जो है वो भी इसमें आएगी, श्रम है, पेरिफेरी क्षेत्र है, या जो बाहर के अन्य क्षेत्र हैं वहाँ से यहाँ क्या होगा? श्रम होगा। तो यहाँ पर क्या, जो विकास होगा या जो प्रोडक्शन होगा वो हाई होगा, तो यहाँ जो निवेश की मात्रा है या जो कैपिटल है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, कैपिटल फ्लो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इस प्रकार से इसमें जो इन्वेस्टमेंट की रेट है वो और बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा, इसका डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगा, तो ये और ज़्यादा रिच हो जाएगा, रिच एरिया और ज़्यादा रिच हो जाएगा। यहाँ पर और तरह की जो इंडस्ट्री है उसका एग्लोमरेशन हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कि एक चेन टाइप की बन गई। रिच एरिया था, उसमें संसाधन पहले से थे, संसाधन होने के कारण वहाँ इन्वेस्टमेंट आए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने जो पूंजी है उसका निवेश किया, उससे श्रम है वो आकर्षित हुई, और श्रम और इन्वेस्ट होने के बाद वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई गई, औद्योगिकरण हुआ उस क्षेत्र का, और वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ने से वहाँ पर कैपिटल जो है, पूंजी और ज़्यादा निवेश की गई और उसका डेवलपमेंट हुआ, तो रिच एरिया और ज़्यादा रिच हो गया। इसी प्रकार से अपन समझना चाहेंगे, एक पुअर एरिया लेते हैं अपन, एक पुअर एरिया है, संसाधन विहीन है, पुअर एरिया है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, मिनरल्स वगैरह कुछ नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, ट्रांसपोर्ट है वो बेटर नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर लैंड, नो मिनरल्स, संसाधन है या खनिज है वो नहीं है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, कनेक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी इस एरिया की, ट्रांसपोर्ट अगर विकसित नहीं है तो क्या होगा? कनेक्टिविटी लेस होगी। तो यहाँ पर क्या है? श्रम है वो यहाँ नहीं आएगा, लेबर या श्रम है वो बाहर की ओर जाएगा, यहाँ नहीं आना चाहेगा। नेक्स्ट, लेबर नहीं आएगा तो जो इंडस्ट्री है वो भी नहीं होगी, क्योंकि इंडस्ट्री को कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, लेबर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या होगा? इंडस्ट्री नहीं लगेगी। नो प्रोडक्शन बोल सकते हैं अपन। यहाँ जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्री लगेगी, जैसे अपन लघु उद्योग बोल सकते हैं, लघु उद्योग लगेंगे तो वो एक विकसित एरिया के जो उद्योग हैं उनसे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा में क्या हो जाएंगे? ये पिछड़ जाएंगे। तो नो प्रोडक्शन या लेस प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं अपन, लेस प्रोडक्शन ए की कंपैरिजन में, या जो रिच एरिया है उसकी कंपैरिजन में लेस प्रोडक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा? लेस डेवलपमेंट, या फिर यहाँ की जो पूंजी है या श्रम है वो तो बाहर की ओर चला जाएगा, तो ये क्या है? और ज़्यादा गरीब हो जाएगा ये क्षेत्र, और ज़्यादा डाउन में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये विकास होना, या फिर कोई संसाधन संपन्न क्षेत्र है उसका विकास होना, या फिर उसका संसाधन विहीन रह जाना, विकास से वंचित रह जाना, ये सभी कारण क्या है? एक वर्तुलाकार, एक चयनबद्ध क्रमिक श्रृंखला के रूप में ये जो परिवर्तन है ये घटित होते हैं। विकास की जो प्रक्रिया है वो क्रमिक है, अचानक से नहीं होकर क्रमिक रूप से होती है। ये गुनार मेडाल ने अपने सिद्धांत में समझाया, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको फिर अपन गुनार मेडाल को पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगी। यहां तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि गुनार मेडाल का क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी है, स्प्रेड एंड बैकवॉश इफेक्ट को अपन निकल देख लिया था इसके पीछे वाले लेक्चर में। तो आज की क्लास में अपन फिर से वही थिंकर्स पढ़ने वाले हैं। अपन डेली कुछ थिंकर्स हैं उनको रिवाइज करने हैं, पढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े, उनका रिलेटेड वर्क देख रहे हैं, एक बार फिर से उनको पढ़ेंगे। जब उनका रिलेटेड मॉडल आएगा तब तो उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ कि हाँ, अपन ने गुंडार फ्रैंक है या मिडाल को पढ़ा था, क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी है, और फिर उसमें डिटेल क्या है वो अपन इसमें आगे देखते रहेंगे। तो देखते हैं अपन गुंडार फ्रैंक। गुंडार फ्रैंक का समय है
1929 से 2005, और ये क्या है, जर्मन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, हिस्टोरियन और सोशियोलॉजिस्ट। इतनी सारी चीज़ों में इनका वर्क है, ये सारी फील्ड है इनके। तो अपने को इकोनॉमिस्ट याद रखना है, जर्मन अमेरिकन है, जर्मन बोर्न और अमेरिका की भी इनके पास नागरिकता थी। इनका कार्य है मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मॉडल, ये भी अपन देखेंगे, ये शहर से रिलेटेड है। डिपेंडेंसी थ्योरी है इनकी 1970 के बाद आई थी, और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो 1984 के बाद आई थी। तो ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट में क्या होता है कि जैसे एक सिटी है बहुत ज़्यादा विकसित हुआ वो, तो ये सिटी विकसित होने के बाद यहाँ पर जो इसकी पोल्यूशन बढ़ गया, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, तो इस प्रकार से जो जनसंख्या है यहाँ की रहने वाली उसको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जो पेरिफेरी एरिया में जो पॉपुलेशन रह रही है तो उसको तो बिल्कुल सुविधा नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ कुछ सैटेलाइट टाउन जो है वो डेवलप कर दिए जाते हैं इस सिटी में, जो जनसंख्या है उसका जो वृद्धि है उसको रोकने के लिए या फिर उसको विकेंद्रित करने के लिए सैटेलाइट टाउन है वो बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह है मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मॉडल। तो सैटेलाइट सिटी बना देने से क्या होगा कि यहाँ विकास के अवसर होंगे और बेहतर सुविधाएं होंगी, तो यहाँ जो पॉपुलेशन है यहाँ इकट्ठी न होकर कुछ जो पॉपुलेशन है वो विकेंद्रीकृत हो जाएगी। तो यह है मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मॉडल। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी है कि पूरा विश्व जो है, विश्व की अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे से संबंधित है, कोई भी अर्थव्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट रूप से विकसित नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे अपन देखें कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ज़्यादा डेवलप हैं, यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा डेवलप हैं तो वो क्या करती है, कच्चा माल जो है, रो मटेरियल है, वो पेरिफेरी वाले जो कंट्रीज हैं उनसे रॉ मटेरियल है वो जाता है, लेबर है, श्रम है, वो भी यहाँ से जाती है। तो इस प्रकार से डिपेंड है, पूरा जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे पर आश्रित है, ऐसे नहीं है कि कोई एक अर्थव्यवस्था है वो अकेले में ही पूरा वर्क कर रही हो। तो इस प्रकार से डिपेंडेंसी थ्योरी, इसको फिर अपन और डिस्कस कर लेंगे मैप्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, फ्लो डायग्राम्स जो होते हैं उनके थ्रू फिर से देखेंगे अपन। यहाँ सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है कि गुंडार फ्रेंक की मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मॉडल है, डिपेंडेंसी थ्योरी है और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। इसको अपन कैसे याद रखेंगे वो मैं बताऊंगी, बुक जब बताऊंगी बुक के ट्रिक्स के साथ बता दूंगी इसका। नेक्स्ट है कि इनकी पीएचडी है ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन यूक्रेशियन एग्रीकल्चर फॉर्म, ये अपन को ध्यान नहीं रखना है इतना, बट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी में इनकी पीएचडी है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है इनकी बुक्स देखते हैं, बुक्स है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका पर इनका वर्क है, 1967 में ये बुक आई है। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमी इन द एशियन एज, ग्लोबल इकोनॉमी एशियन जो एरिया है उस पर भी वर्क है इनका। द वर्ल्ड सिस्टम 500 ईयर, ये भी है कि 500 साल का वर्ल्ड सिस्टम कैसा होगा उस पर इनकी बुक है। द वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशन, एक नेशन की जो गरीबी है या फिर उसकी जो वेल्थ है, समृद्धि है, वो किस पर निर्भर करती है, उसके बारे में बताया इन्होंने अपनी थ्योरी में। नेक्स्ट है क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी 1980, वर्ल्ड इकोनॉमी के क्राइसिस और थर्ड वर्ल्ड जो है उसका भी क्राइसिस का इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी क्राइसिस डायनेमिक ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, तो क्राइसिस पे इनके चार बुक्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्राइसिस नाम आती है अपने को गुंडा फ्रेंक करके आना है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे कि कोई एक गुंडा जैसे डोन टाइप का कोई व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता है कि पूरा जो वर्ल्ड सिस्टम है उसको अपना पूरा जो वर्ल्ड सिस्टम है वो गुंडे पर डिपेंड करता है, और उसी कारण क्या होता है उसमें क्राइसिस पैदा हो जाता है। किस तरह के क्राइसिस पैदा हो जाते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्राइसिस पैदा हो जाते हैं और ग्लोबल क्राइसिस हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो क्राइसिस से अपनी ये चार बुक हो जाएगी। और अगर गुंडे पे कोई जो इकोनॉमी है वो डिपेंड रहेगी तो क्या होगा, नेशन तो पुअर ही होगा, तो वेल्थ एंड पुअर है तो पॉवर्टी ऑफ नेशन, ऐसे याद रख लेना आप इसको। थोड़ा सा अपन इसको रिलेट करने की कोशिश करें कि गुंडार फ्रेंक का नाम आते हैं, गुंडे की इमेज आई अपने माइंड में, डिपेंडेंसी थ्योरी कि पूरा वर्ल्ड सिस्टम है वो गुंडे पे डिपेंड है, इसलिए क्या हो रहा है, क्राइसिस ही क्राइसिस हो रहे हैं, ऐसे याद रखना है अपने को। नेक्स्ट देखते अपन, फिर पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। अभी अपने को ये टेंशन रखनी है कि सिर्फ अपने को पता चल जाए कि ये जर्मन थे और इनका वर्क है वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पे है, डिपेंडेंसी थ्योरी पे है। नेक्स्ट देखते हैं अपन फ्रेंकाई पेरोक्स का इंपॉर्टेंट वर्क है, और इन्होंने जो फ्रीडमैन का मॉडल है, कोर पेरिफेरी मॉडल है, उसके अपोजिट इनका मॉडल है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि ये फ्रांसीसी है और प्रादेशिक नियोजन करता है, पेरिस विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे हैं, प्रादेशिक आर्थिक विकास पर कार्य है इनका। और इनका जो मॉडल है, इनका मॉडल फ्रीडमैन के विपरीत मॉडल है, फ्रीडमैन का मॉडल भी देखेंगे। और इन्होंने क्या बताया अपने मॉडल में, प्रसारी प्रभाव को अधिक महत्व देते हुए बताया कि जो विकास की प्रक्रिया है वो केंद्र से बाहर की ओर कार्य करती है। जैसे अपन ने देखा था गुनार डाल वाले में भी देखा था कि पहले क्या होता है, पहले जो बैकवॉश इफेक्ट है वो काम करता है, बैकवॉश इफेक्ट। बैकवॉश का मतलब क्या होता है कि पेरिफेरी से और सेंटर की तरफ, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम, इनका जो प्रवाह होता है वो होता है। फिर जैसे सेंटर पूरा विकसित हो जाता है तो फिर सेंटर से पेरिफेरी की ओर जो इफेक्ट होगा वो अपन बोलेंगे स्प्रेड इफेक्ट। तो इन्होंने किसको महत्व दिया, इन्होंने स्प्रेड इफेक्ट को महत्व दिया है। इन्होंने बताया कि विकास प्रक्रिया है वो केंद्र से बाहर की ओर होती है, तो इनका संदर्भ अलग होगा। इन्होंने जो विकसित देश है उनके संदर्भ में अपना मॉडल दिया है, तो इस प्रकार से अपने इसको और डिटेल में विकसित करेंगे। अभी अपने को ध्यान रखना है कि इनका सिद्धांत जो है वो वृद्धि ध्रुव का ग्रोथ पोल थ्योरी और 1955 में आई है ये, 1955 में इन्होंने ग्रोथ पोल थ्योरी दी है। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे, अपन इसे याद रखेंगे, जैसे पोल तो अपने याद रह जाएगा, पोल पे जो डांस होता है पोल डांस से अपन याद रख सकते हैं, डांस, रॉक एंड रोल
रॉक एंड रोल, ऐसे डांस में बोलते हैं ना रॉक एंड रोल, तो रॉक से क्या याद रह जाएगा अपने को, पोल याद रह जाएगा, पोल पे डांस, ऐसे पोल पे रॉक्स करना, इस प्रकार से कुछ भी ट्रिक बना सकते हो आप अपने हिसाब से, अपने को जैसे याद रहे वैसे अपनी ट्रिक बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही याद रखो, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वृद्धि ध्रुव सिद्धांत है या ग्रोथ पोल जो मॉडल है वो किसका है, फिंकाई पेरोक्स का है, पेरुए का है और ये फ्रांसीसी है, तो नाम से फ्रांसीसी तो पता लग जाएगा आपको नाम से ही। नेक्स्ट इनके दो शिष्य हुए हैं समीर अमीन और बोडविले या बोदुए, तो बोदुए और अमीन इनके शिष्य हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, इनका वर्क है ग्रोथ पोल थ्योरी पे दोनों का ही, अमीन का और जो बोडविले हैं उनका। तो देखते हैं अपन समीर अमीन मिश्र के हैं ये, 1931 से 2018 इनका समय है 2018, और मिश्र के मार्क्सवादी अर्थशास्त्री हैं ये, मार्क्सवादी जो है वो पूंजीवादी के बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है, और ये लेबर जो है श्रम है उसके हित की बात करते हैं, श्रम के हित की बात करते हैं। तो ये सारे जो भी अपन थिंकर्स पढ़ रहे हैं ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो सामाजिक विज्ञान होती है उससे रिलेटेड है, सोशियोलॉजी से, सोशियोलॉजी के साइंटिस्ट हैं ये सारा। जब भी आप इनको सर्च करोगे तो ये क्या मिलेंगे अपन को, जो पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी है उसमें इनका वर्क मिलेगा। तो डिटेल में अगर आप इनमें से कोई देखना चाहो तो सर्च कर सकते हो आप। ये क्या है, मार्क्सवादी अर्थशास्त्री हैं और पेरुक्स के शिष्य हैं, इन्होंने ग्रोथ पोल पे वृद्धि ध्रुव पे इनका वर्क है। देखते हैं इनकी पीएचडी किस पे है, इनकी पीएचडी है द ओरिजिन ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड कैपिटलिज्म एंड एक्यूमुलेशन ऑन वर्ल्ड स्केल, इस पर इनकी पीएचडी है, ये अपने को ध्यान नहीं रखनी है। इनकी पुस्तक है वो अपने को ध्यान रखनी है, द इम्पोजिशन ऑफ कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म 2013 और द ग्लोबल हिस्ट्री 2010। तो समीर अमीन का वर्क है ये ग्लोबल हिस्ट्री और इम्पोजिशन ऑफ कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म, इसको कैसे याद रखोगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे भी। नेक्स्ट देखते हैं अपन ने समीर अमीन को देख लिया, अब इनका एक शिष्य फ्रैंकाई पेरुक्स का एक शिष्य और है बोडविले या बोदुए, तो उसको देखते हैं अपन, जे आर बोडविले या बोडवे। इससे पहले मैं ग्रोथ पोल को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, ग्रोथ पोल फिर अपन देखेंगे। एक बार यहाँ एक मॉडल दिया हुआ है तो इसको देखते हैं अपन, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक की इंडस्ट्री दिखाई हुई है और लिंक्ड इंडस्ट्री दिखाई हुई है, ये की इंडस्ट्री दी हुई है इसमें और ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये लिंक्ड इंडस्ट्री दिखाई है। ये विकसित होने से पहले, इस पोल के विकसित होने से पहले इसमें बताया गया है ये वाला सिनेरियो है, यहाँ पे जो लिंक इंडस्ट्रीज हैं वो कम है और जो सेकेंडरी टर्सरी जो और उद्योग हैं वो इसमें नहीं है बिल्कुल भी, देख रहे हैं आप बिल्कुल, ये लिंक्ड इंडस्ट्री है ये भी बहुत कम मात्रा में है और ये यहाँ पर थोड़ी बहुत लिंक इंडस्ट्री है, इनकी संख्या बढ़ रही है, तो ये क्या है एक पोल का रूप ले रहा है, ये एक ध्रुव का रूप ले रहा है और ये की इंडस्ट्री है। और नेक्स्ट क्या होता है, जब वृद्धि ध्रुव का विकास होता है तो इसमें क्या होता है कि ये लिंक्ड इंडस्ट्री है ये बढ़ गई, ये यहाँ संख्या है इनकी ज़्यादा हो गई लिंक इंडस्ट्रीज़ की, और इसके साथ साथ सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है इस इंडस्ट्री पर बेस्ड जो इंडस्ट्रियाँ हैं उद्योग धंधे हैं वो भी इसमें शामिल हो गए और यहाँ इनकी संख्या बढ़ गई है, और इसी प्रकार से एक सेकेंडरी ग्रोथ पोल है वो भी इससे रिलेटेड डेवलप हो जाता है। अब इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेशन जैसा, जैसे अपन ने एक प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाई, प्लास्टिक उद्योग अपन ने लगाया तो उससे रिलेटेड क्या होगा, ये प्लास्टिक इंडस्ट्री ये किस किस को आकर्षित करेगी, एक बोतल बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो भी हो जाएगी, एक पाइप बनाने वाली प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली इंडस्ट्री है वो भी आ जाएगी, इस प्रकार से जो खिलौने बनाने की इंडस्ट्री है वो भी यहाँ आ जाएगी, इस प्रकार से इस इंडस्ट्री ने इनको आकर्षित किया और यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध थी तो ये इंडस्ट्री आई। अब इस प्रकार से क्या है कि और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, अब ये इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी तो इनको क्या उपलब्ध कराना पड़ेगा, अपन को इनके लिए लीगल एडवाइज़र भी होगा, लीगल एडवाइज़र की जो फर्म्स हैं वो भी खुल जाएंगे यहाँ पर, लॉ से रिलेटेड जो हैं इसको मैं बताती हूँ, लीगल वर्क करने के लिए भी यहाँ कुछ जो लोग हैं वो आएंगे, जो मैनेज करने वाले हैं जैसे अकाउंटेंसी वगैरह का काम करने वाले वो भी यहाँ आएंगे, और कुरियर सुविधाएं हैं वो भी बढ़ जाएंगी यहाँ पर, इस प्रकार से बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी वर्क है वो भी यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक इंडस्ट्री कितनी सारी जो इंडस्ट्रियाँ हैं उनके लिए एक आधारभूत संरचना है वो प्रोवाइड करती हैं, इस प्रकार से प्लास्टिक इंडस्ट्री के साथ साथ और भी बहुत सारी इंडस्ट्री लग गई, इस प्रकार से क्या होता है कि कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती हैं एक जगह पर तो उससे रिलेटेड फिर अन्य जो सुविधाएं हैं वो वहाँ आकर्षित होती हैं और वो एकत्र हो जाता है, उद्योगों का जमावड़ा लग जाता है, तो वो एक पोल के रूप में डेवलप होता है। तो इस प्रकार से अपन ने इसको देखा, इससे रिलेटेड जो पहले जो एक की इंडस्ट्री थी उससे रिलेटेड लिंक इंडस्ट्री है उस पर बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो भी बढ़ गई, उसके साथ साथ सेकेंडरी जो है अन्य जो सुविधाएं हैं उस इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराने के लिए तो वो भी बढ़ गई। तो इस प्रकार से एक बार फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे, तो यहाँ जस्ट आपको ग्रोथ पोल जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन जे आर बोडविले या बोदुए, इनका समय है 1919 से 1975 बोडविले का समय, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो ये पेरुक्स के शिष्य हैं समीर अमीन और बोडविले, दोनों ही पेरुक्स के शिष्य हैं और ये फ्रांसीसी हैं, वो मिश्र के थे और ये फ्रांसीसी हैं। नेक्स्ट इनका भी वर्क क्या है, ग्रोथ पोल थ्योरी पर है और इन्होंने ग्रोथ पोल जो वृद्धि ध्रुव है उसका विकास किया, और वृद्धि ध्रुव के बाद इन्होंने क्या बताया, वृद्धि केंद्र बताया, वृद्धि ध्रुव तो है पेरुए का पेरुक्स का और इन्होंने बताया वृद्धि केंद्र, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी देखेंगे, ये एक इकोनॉमिक से रिलेटेड कंसेप्ट है और ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो इस प्रकार से इसमें डिटेल में अपन इसका एनालिसिस करेंगे, बट अपने को यहाँ यही ध्यान रखना है कि ये पेरुक्स के शिष्य हैं और इन्होंने ग्रोथ पोल थ्योरी पे वर्क किया और जो वृद्धि ध्रुव है उसका विकास किया, और इनका एक स्टेटमेंट है यहाँ कि प्रौद्योगिकी विकास ध्रुव को शहरी क्षेत्र में
अवस्थित विस्तारित होते उद्योगों के समुच्चय और इनके प्रभाव क्षेत्र में हो रही आर्थिक गतिविधि के विकास के रूप में परिभाषित किया। वही बात है, वृद्ध ध्रुव को क्या बताया, वृद्ध ध्रुव है वो शहरी क्षेत्र में अवस्थित है, और वृद्ध ध्रुव के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ और भी बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो लग रही है और इसका विस्तार हो रहा है, और विकास किसका हो रहा है, सिटी का विकास हो रहा है और वृद्ध ध्रुव का विकास हो रहा है। इस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां जो है वो केंद्रित हो गई है इस ध्रुव के चारों ओर, इस ध्रुव का विकास हो रहा है, इस प्रकार से एग्लोमरेशन के कारण ये इसका क्षेत्र जो है वो फैलता जा रहा है। तो आपने वृद्ध ध्रुव का कंसेप्ट है वो जरूर समझ लिया होगा, वृद्ध ध्रुव का कंसेप्ट अपने समझा और डिटेल में समझेंगे। वृद्ध ध्रुव को वृद्ध केंद्र में विकसित करने का जो कार्य है वो जे आर बोडविले या बोधवे ने किया, और इसमें जो अपने इंडियन जो भी थिंकर्स हैं, रीजनल प्लानर्स हैं, उनका भी बताएगा, तो उसको भी अपन डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन केवी सुंदरम। केवी सुंदरम भारत के अग्रणी प्रादेशिक नियोजनकर्ता हैं। इनका वर्क है, एक तो इनकी मेथड है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक, स्टेटिक्स में इनका वर्क है, तो ये इनकी विधि है, ये अपने को ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक, इसको भी अपन डिटेल में देखेंगे। इनकी बुक्स देखते हैं, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, ये भी इनकी बुक है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ अंडर डेवलपमेंट द स्पेशल डायनेमिक अंडर डेवलपमेंट और मल्टी लेवल प्लानिंग एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये मिश्रा सुंदरम की है। तो अगर आप ये याद रखो तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ना कोई व्यक्ति सुंदर है तो वो सुंदर सिर्फ एक लेवल पे तो हो नहीं सकता, बहुत सारे लेवल पे सुंदर होगा, सुंदर दिखता होगा, अच्छा बोलता भी होगा, अच्छे कपड़े पहनता होगा, तो इस प्रकार से मल्टी लेवल पे सुंदर है कोई व्यक्ति, तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। थोड़ा सा कुछ भी और आप रिलेट कर सकते हो तो देख लेना, इसमें मिश्रा वय सुंदरम का वर्क है, मल्टी लेवल प्लानिंग एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है उसको विकसित करने पे इन्होंने जोर दिया। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र का विकास नहीं करके अपन कंप्लीट जो एरिया है उसका विकास करें, सामाजिक आर्थिक सब प्रकार से उसका विकास करें, उसी के संसाधन का समायोजित या समुचित रूप से उपयोग करते हुए, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट भी देखेंगे अपन, अभी सिर्फ अपन थिंकर्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट केवी सुंदरम से रिलेटेड कुछ मैंने ऐड किया यहाँ पे, वो देखते हैं। केवी सुंदरम कल्याण सुंदरम, ये आंध्र प्रदेश के हैं और इंडियन सिविल सर्वेंट रहे हैं ये, केवी सुंदरम इंडियन सिविल सर्वेंट रहे हैं ये, और इनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी रहे हैं ये। इनका समय तो अपन ने देख लिया 1904 से 1992 है, फिफ्थ लॉ कमिशन ऑफ इंडिया भी रहे, तो अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं। इनको पद्म विभूषण मिला है, जो पद्म विभूषण सेकंड ऑर्डर का अपना है वो अवार्ड मिला इनको 1968 में, और इन्होंने संस्कृत जो कालिदास है उसका इंग्लिश में अनुवाद भी किया है, तो ये तो आप मत याद रखना भले, पर पद्म विभूषण मिला है इनको और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं। देखते हैं और इनका वर्क, ये मैंने बता दिया चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स में है इनकी, इनका जो बर्थ है वो मद्रास में हुआ है, सॉरी मैंने आंध्र प्रदेश बोल दिया ना, आंध्र प्रदेश का नहीं है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, चेन्नई तमिलनाडु बोल सकते हैं अभी अपन, चेन्नई या तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, और इनका नेशनलिटी इंडियन है, अवार्ड है इनको पद्म विभूषण 1968 में, अपने को इतना ही ध्यान रखना है, जन्म इनका समय और अवार्ड कौन सा मिला है वो याद रखना, 1904 से 1992 इनका समय है। नेक्स्ट देखते हैं अपन के वी सुंदरम के बाद जॉन फ्रिडमैन। जॉन फ्रिडमैन का जो कंसेप्ट है वो अपन ने देखा था, जो पेरुए का कंसेप्ट है उससे बिल्कुल अपोजिट है, तो अपन देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। जॉन फ्रिडमैन का समय है 1926 से 2017, तो ये ब्रिटिश कोलंबिया में रीजनल प्लानिंग के प्रोफेसर रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में रीजनल प्लानिंग के प्रोफेसर रहे हैं। सिद्धांत है इनका कोर पेरीफेरी मॉडल, कोर पेरीफेरी मॉडल देखते हैं अपन क्या होता है कोर पेरीफेरी मॉडल। किसी क्षेत्र का विकास कोर केंद्र से पेरीफेरी परिधि के पिछड़ा क्षेत्र के मध्य संबंध पर निर्भर करता है, कि किसी क्षेत्र का विकास है वो किन के मध्य संबंध पर निर्भर करता है, कोर और पेरीफेरी के मध्य कैसे संबंध है वो। एक इनकी अप्रोच है सिटी मेट्रोपॉलिटन अप्रोच, इसको भी पढ़ेंगे अपन, नगर महानगर उपागम, जब अपन उपागम पढ़ेंगे तो इसमें आएगा ये नगर महानगर उपागम, तो बहुत सारे उपागम अप्रोचेस देखेंगे अपन रीजनल प्लानिंग के, तो उसमें इनका बताएगा, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट है इनका लेख है द वर्ल्ड सिटी हाइपोथेसिस, तो ये भी पूछा जा सकता है द वर्ल्ड सिटी हाइपोथेसिस पे किसका वर्क है, तो जॉन फ्रिडमैन का है। नेक्स्ट इनकी बुक्स देखते हैं, प्लानिंग इन द पब्लिक डोमेन 1987 में आई है, द प्रोस्पेक्ट ऑफ सिटीज 2002 में आई है, द चाइनाज अर्बन ट्रांजिशन 2005 में आई है, तो प्लानिंग इन द पब्लिक डोमेन ये याद रख लेना आप। और इनका अपन देखते हैं सिद्धांत क्या है, कोर पेरीफेरी सिद्धांत है वो क्या है। कोर पेरीफेरी में क्या होता है कि जैसे एक कोर है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, देखिए एक क्षेत्र है कोर का डेवलपमेंट देखना है अपने को, तो उसका उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो अगर निर्धन होगा तो कोर के पास जो श्रम है पूंजी निवेश है वो कहाँ से आएगी, नहीं आएगी ना, तो जो पेरीफेरी का जो एरिया है कोर के संसाधन संपन्न होने के लिए या कोर की प्रोग्रेस के लिए जो पेरीफेरी है उसके पास संसाधन का होना, संसाधन होना, श्रम होना, ये सब आवश्यक है, संसाधन श्रम पूंजी, तो ये सब पेरीफेरी है वो कोर को अवेलेबल कराता है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या बताया कि सब लोगों ने क्या कि किस पे फोकस किया, कोर पे फोकस किया, पर ये नहीं बताया कि अगर परिधीय क्षेत्र है वो ही अगर संसाधन विहीन है तो कोर के पास जो संसाधन है या फिर कोर का जो प्रोग्रेस है वो कैसे संभव हो पाएगा, तो इन्होंने ये बताया कि कोर और पेरीफेरी के मध्य संबंध कैसा होगा उससे अपन विकास है उसको निर्धारित करेंगे। तो ये है इनका कोर पेरीफेरी मॉडल फ्रिडमैन का, कोर पेरीफेरी मॉडल
फ्रीडमैन का है। तो अपने को सिर्फ यही ध्यान रखना है कोर्ट पेरिफेरल मॉडल किसका है, फ्रीडमैन का है, द वर्ल्ड सिटी हाइपोथेसिस किसकी है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इन्होंने जैसे अपन ने क्यूमुलेटिव कोजिशन मॉडल देखा था उसमें उसी प्रकार से इन्होंने भी वर्तुल संचय पुनर्निवेश की संज्ञा दी है। वर्तुल संचय पुनर्निवेश की मतलब क्या होता है कि क्रमिक रूप से अपन जो विकास है उसका स्वरूप देखते हैं। और इन्होंने ये भी बताया था कि कोर के डेवलपमेंट के कारण केवल कोर जो है उस पर अगर सारे संसाधन है, श्रम है, निवेश है, वही एकत्रित होते रहेंगे तो जो पेरिफेरी है वो पहले से निर्धन है और वो और गरीब हो जाएगा। तो पेरिफेरी का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, नेगेटिव विकास हो पाएगा, यानी कि पेरिफेरी है वो अल्प विकसित या अविकसित रह जाएगी। इस प्रकार से इन्होंने नकारात्मक प्रभाव बताया कोर के विकास के कारण पेरिफेरी वाले जो क्षेत्र हैं वो परिधीय क्षेत्र हैं वो और ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। तो ये इनका वर्क है जॉन फ्रीडमैन का। नेक्स्ट देखते हैं अपन जॉन फ्रीडमैन के मॉडल को, अपन यहाँ इससे भी समझ सकते हैं कोर पेरिफेरल मॉडल। इससे इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ये प्रारंभिक अवस्था दिखाई गई है, जो प्रथम अवस्था है ये प्रारंभिक अवस्था है, ट्रेडिशनल सोसाइटी बोल सकते हैं अपन इसको, ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होगा, कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, पूरे क्षेत्र में बिल्कुल भी विकास नहीं है, पर एक समानता पाई जाएगी, ये बात आप ध्यान रखना। ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी से अपन देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है सबके पास, सभी एग्रीकल्चर करते हैं, कोई इंडस्ट्री है वो नहीं डेवलप हुई है, तो क्या है एक समानता है, अभी असमानता उत्पन्न नहीं हुई है, तो ये क्या है समानता है इसमें। फिर क्या एक संक्रमण स्टेट आती है, संक्रमण स्टेट में क्या होगा कि एक क्षेत्र है वो कोर के रूप में धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है, तो यहाँ इसके आसपास के जो छोटे मोटे जो एक अपन शहर मान सकते हैं कोर को, एक शहर का रूप दे सकते हैं अपन, एक शहर है वो विकसित होना शुरू करता है, तो इसके जो आसपास के जो ए शहर मान लिया, ये बी, ये सी, डी, तो इनसे क्या है श्रम पूंजी ये सब क्या होगा इसकी तरफ आएगा कोर की तरफ, तो ये एक संक्रमण स्टेट है। दूसरी जो अवस्था है विकास की उसको अपन संक्रमण स्टेट बोल सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपन एक इंडस्ट्रियल एज आएगी, इंडस्ट्रियल स्टेज है वो आएगी, इंडस्ट्रियल स्टेज। इसमें क्या होगा ये कोर है ये विकास होगा, इसके साथ साथ कोर के विकास के साथ साथ अन्य जो क्षेत्र हैं वो भी विकसित होने शुरू होंगे और ये एक बड़ी सिटी के रूप में विकसित होगा, इसके साथ साथ कुछ अन्य छोटी सिटी हैं वो भी विकसित हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, जो यहाँ से एक जो क्षेत्र है ए वाला जो क्षेत्र है ये इसकी तरफ भी श्रम या पूंजी है उसको निवेश कर सकता है, और जो बड़ा शहर है उसकी तरफ भी, तो इसके पास ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं इस प्रकार से। और जो इसके बाद जो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवस्था आएगी, उत्तर औद्योगिक समाज की अवस्था आएगी, तो उसमें क्या होगा कि जो सारे समान, अब देखिए एक बात ये भी समझने वाली है इसमें कि इन दोनों में क्या है असमानता बढ़ती है, संक्रमण स्टेट और जो औद्योगिकरण की जो अवस्था है दूसरी और तीसरी अवस्था, इनमें क्या बढ़ेगी असमानता बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी। फर्स्ट स्टेज में समानता थी और फोर्थ स्टेज में फिर समानता हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि अपन ने देखा ये जो ए वाला एरिया था और ये जो बी वाला एरिया था इन दोनों के पास ऑप्शन है, खुद भी ये डेवलप हो सकते हैं और जो अपना श्रम पूंजी कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं उनको कहाँ भेज सकते हैं, इन वाले बड़े शहर की तरफ भेज सकते हैं, सी की तरफ भेज सकते हैं। तो ये देखिए इसके पास कितने सारे ऑप्शन हो गए, बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, तो उनको भी अपन देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो इनमें क्या है समानता बढ़ गई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी से भी अपन समझ सकते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज का विकास हुआ, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे जो विकास की अवस्था है, मैक्सिमम जो विकास हो सकता है, एक सन्नगर बन गया अपन ऐसे कह सकते हैं। सन्नगर का मतलब क्या होता है कि दो शहर हैं वो विकसित होते होते क्या है कि काफ़ी दूरी पर स्थित थे, पर फिर वो क्या है एक जो लीनियर वे है उसमें ये अटैच हो जाते हैं और पूरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वो बन जाता है, जहाँ इन उद्योग, सेवा श्रम इनका एग्लोमरेशन हो जाता है, एक लीनियर वे में ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो दिल्ली सन्नगर की अपन संकल्पना देखेंगे, अर्बन पढ़ेंगे तब, बहुत बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा सन्नगर है वो यहाँ बनेगा। इससे पहले अपन जो गैरी शिकागो है उसके बारे में कंसेप्ट देखा था अपन ने, गैरी शिकागो कॉन्वर्बेशन है, बोस भी है, तो इस प्रकार से विश्व के कुछ बड़े सन्नगर हैं उनका एग्जांपल देखेंगे अपन जब अर्बन पढ़ेंगे, तो जरूर से उसको डिस्कस करेंगे अपन। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, अभी अपन कोर पेरिफेरी मॉडल देख रहे हैं। कोर पेरिफेरी मॉडल में अपन ने जो स्टेज है उसकी वो देखी है, कोर पेरिफेरी मॉडल की स्टेज देखी है। तो ये मैंने सन्नगर की भी एग्जांपल दी है, तो जो लास्ट जो स्टेज है उसमें भी क्या होगी समानता है वो बढ़ जाएगी, लास्ट वाली स्टेज में क्या होगी समानता आ जाएगी। दूसरी और तीसरी जो संक्रमण और जो औद्योगिकरण की जो स्टेज है दूसरी और तीसरी उसमें असमानता होगी, इसको अपन कैसे समझ सकते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी या फिर सन्नगर का निर्माण हो जाएगा, इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। तो ये कोर पेरिफेरी मॉडल का एग्जांपल देख लिया अपन ने, डायग्राम देख लिया, कोर पेरिफेरी मॉडल देख लिया जॉन फ्रीडमैन का। इसके बाद अपन देखते हैं आर पी मिश्रा को। आर पी मिश्रा भारतीय प्रादेशिक अर्थशास्त्री हैं और इनका जो ग्रोथ न्यूक्लियाई है उस सिद्धांत पर वर्क है। मैंने बताया था जब अपन ने पेरोक्स को देखा था तो अपन आर पी मिश्रा को भी उसी में इंक्लूड करेंगे, और वृद्धि नाभि, ग्रोथ न्यूक्लियाई, इन्होंने क्या है अपने अपने हिसाब से नाम दिया। जैसे पेरोक्स है, पेरोक्स को अपन पोल को, पेरोक्स को कैसे याद रखेंगे, पेरोक्स को पोल से याद भी रख सकते हो, पेरोक्स पोल, पी से पेरोक्स और पी से पोल। फिर इसके बाद बोधुए हैं, उन्होंने जो वृद्धि केंद्र है उसका सिद्धांत दिया, तो बोधुए सेंटर की बात करेगा। और जो आर पी मिश्रा है वो किसकी बात करेंगे, नाभि की बात करेंगे, नाभि या न्यूक्लियाई, नाभि या न्यूक्लियाई। तो ये सभी इसी एक ही कंसेप्ट से अपने क्लियर हो जाएंगे जब अपन पेरोक्स का मॉडल पढ़ेंगे, तो इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इन्होंने वृद्धि नाभि सिद्धांत पर कार्य किया और भारत में इनका प्रादेशिक नियोजन में वर्क है। पुस्तकें देखते हैं कि पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएंगी, ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर इन अर्बन, एक तो ये इनकी बुक है। नेक्स्ट है अर्बन प्लानिंग इन इंडिया 1871, और इसमें जो ग्रोथ न्यूक्लियर थ्योरी है उसका
इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ, ए ट्रीटिस ऑन ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ, तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं जैसे चीनी खाने से हेल्थ खराब होती है तो अपन क्या है मिश्री खा लेंगे चीनी की जगह, तो अपनी हेल्थ क्या रहेगी अच्छी रहेगी। ए ट्रीटिस ऑन ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ इन इंडिया, तो चीनी ज़्यादा चीनी खाने से डेथ हो जाती है तो क्या मिश्री खाना अच्छी बात होती है। तो ऐसे कुछ भी जैसे भी आपको याद रहे आप याद रख लो, अपने को एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आना है, सिर्फ अपना एक ही मोटिव है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन ज्योग्राफी, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन सिस्टम एंड रूरल डेवलपमेंट, रीजनल प्लानिंग कंसेप्ट टेक्निक्स एंड पॉलिसीज। अब देखिए रीजनल प्लानिंग पे इनका भी वर्क है, रीजनल प्लानिंग पे और भी है, उनकी बुक्स भी आएंगी। तो अपन को ऐसे याद रखना है कि जो मिश्री है मिश्रा है वो टेक्निक्स और ये लगा के, या फिर चीनी जो बनाते हैं वो टेक्निक मिश्री से टेक्निक लगा के अपन चीनी बनाते हैं, कुछ भी करके याद रखो आप याद रख लेना बस इसको। नेक्स्ट है आर पी मिश्रा की इमेज देखते हैं अपन, पहले तो इंपॉर्टेंट बुक भी देखते हैं। आर पी मिश्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है ये, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी मेडिकल ज्योग्राफी में भी इनका वर्क है। रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया इनकी बुक है। आर पी मिश्रा, के वी सुंदरम और वी एल एस प्रकाश राव। अब देखिए वी एल एस भी लिखा आता है और बी एल एस भी लिखा आता है तो दोनों ही हैं, बी एल एस प्रकाश राव भी आता है। आर पी मिश्रा, के वी सुंदरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखनी है याद रखनी है याद रखनी है। रीजनल डेवलपमेंट और प्लानिंग इन इंडिया मिश्रा सुंदरम और राव का वर्क है ये। नेक्स्ट इन्होंने जो बीमारू और दिमारू स्टेट हैं उन पर भी इसका वर्क आएगा और फिर इनको डिटेल में अपन देखेंगे। बीमारू स्टेट्स नीड ए रीथिंकिंग, तो ये भी बताया इन्होंने, ये भी बुक अच्छी है इनकी याद रखनी है अपने को। नेक्स्ट देखते हैं अपन रूरल एरिया डेवलपमेंट परस्पेक्टिव एंड अप्रोचेज, ये भी बुक अपने को ध्यान रखनी है। तो तीन बुक ही ध्यान रखनी है, और भी है रिलेटेड वर्क, ज़्यादा अपन याद ही नहीं रख पाएंगे तो फिर अपने उसका डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। आर पी मिश्रा को देख लिया अपन ने। नेक्स्ट देखते हैं अपन वी एल एस प्रकाश राव या बी एल एस प्रकाश राव, दोनों ही सही है, बी एल एस नाम भी लिखा सकता है, मैंने अभी बताया आपको बी एल एस प्रकाश राव। इन्होंने भी भारत के नियोजन प्रदेश बताए, कितने बताए वो भी देखेंगे अपन। आर पी मिश्रा ने प्रकाश राव सुंदरम के साथ मिलकर भारत के संदर्भ में वृद्धि नाभि का चार शोपानी अनुक्रम दिया, वो मैंने अभी बताया था पेरोक्स का जो वृद्धि ध्रुव था उसको मिश्रा ने वृद्धि नाभि में बदला, और जो वृद्धि नाभि है उसके पहले चार सोपान बताए और फिर 1974 में ये बुक आई और उसमें इन्होंने चेंज करके पांच सोपान बताए, उसके पांच अनुक्रम बताए। तो इसमें क्या है रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, वही बुक है जो तीनों ने मिलकर लिखी है, राव मिश्रा और सुंदरम, इन्होंने मिलकर कौन सी बुक लिखी है रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। और इसमें जो पांच सोपान बताए हैं उनका अनुक्रम देखते हैं अपन, सबसे पहले बताया है केंद्रीय सबसे नीचे लेवल पे, फिर इसके बाद सेवा केंद्रीय गांव या केंद्रीय ग्राम, उसके बाद है सेवा केंद्र, फिर है वृद्धि बिंदु ग्रोथ पॉइंट ग्रोथ सेंटर वृद्धि केंद्र और वृद्धि ध्रुव ग्रोथ पोल। इस प्रकार से ये जो विकास का क्रम जो है ये ध्यान रखना है अपने को, सबसे पहले गांव है फिर सेवा केंद्र है फिर वृद्धि बिंदु है और फिर वृद्धि केंद्र है, वृद्धि बिंदु है उसी का विकास होकर एक जो वृद्धि केंद्र है वो बन जाता है और फिर वृद्धि पोल बड़ा होकर या फिर जो सुविधाएं हैं वो पाकर वृद्धि ध्रुव बन जाता है। तो इस प्रकार से ये हायरार्की है एक अनुक्रम है सीक्वेंस है, इसको अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वी एल एस प्रकाश राव की बुक्स देखते हैं, बुक्स बहुत सारी हैं आप जितनी याद रख सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं बुक्स इनकी अर्बनाइजेशन इन इंडिया, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, ये तो अपन ने देख लिया तो अपने को पक्का याद होनी चाहिए। रीजनल प्लानिंग इनकी भी है और मिश्रा की भी पढ़ी थी अपन ने, दोनों की बुक है, मिश्रा की भी है और राव की भी है, वी एल एस प्रकाश राव की भी है। नेक्स्ट है ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर इन रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये तीनों की मिलकर है तो जो तीनों वाली है वो तो आपको पक्का ही याद होनी चाहिए, ग्रोथ पोल्स एंड ग्रोथ सेंटर्स इन रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ग्रोथ न्यूक्लियर आते तो याद रह जाएगा मिश्रा आपको, और ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर आए तब भी आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि अभी अपने ये हायरार्की पढ़ी थी तो ये तीनों ने मिलकर दी थी, तो इस प्रकार से ये भी अपने को ध्यान रह जाएगी। नेक्स्ट है इंडियन सिटीज इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये तिवारी वेंस्टन और राव की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बुक, सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कोई से भी एग्जाम में आ सकते हैं तो अपन कह नहीं सकते, बट जो भी तीनों की मिलके है या फिर जिसमें कुछ अपन ने स्पेशल इसमें ऐड किया हुआ है तो वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है रामलोचन सिंह की भी बुक है इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, तो रीजनल ज्योग्राफी पे रामलोचन सिंह का भी वर्क है, सिंह एंड सिंह, ये एक सिंह तो है रामलोचन सिंह और दूसरे हैं पीबी सिंह, तो इन्होंने मिलकर लिखी है। तो इस प्रकार से रीजनल प्लानिंग के जो भी बुक्स हैं अपने उनको देख लिया है। इंडिया के जो भी एक दो थिंकर्स और बच गए हैं अशोक मित्रा पी पद्मनाभन, तो उनको अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सभी थिंकर्स को यहाँ पढ़ाने का एक ही मोटिव है कि उस थिंकर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है आप याद रख पाओ, एक स्टेटमेंट याद रख पाओ, भले उसका एक मॉडल याद रख पाओ, कुछ भी जो है उससे रिलेटेड आप याद रख पाओ। तो ये अपना आज का वर्क है, सभी थिंकर्स को आप रिवाइज करेंगे।